तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह है मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का ग्लैमर बाइक है और इस बाइक को हुआ क्या कि बाइक को धक्का मारकर हमारे वर्क शॉप तक लाना पड़ा है, हमारे गैरेज तक। इस बाइक में एक्चुअल में हो क्या गया, इस बाइक में जो स्पार्क प्लग लगाया वो स्पार्क प्लग हेड के अंदर ही टूट गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके लेकर क्लाइंट जो है काफ़ी परेशानी में आया, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए लाइव प्रूफ स्पार्क प्लग जो है हेड के अंदर टूट गया, क्योंकि इस बाइक में स्पार्क प्लग का यहाँ प्रूफ के तौर पर देखिए चाइनीज स्पार्क प्लग लगा हुआ था भाई, जेनुअन स्पार्क प्लग नहीं लगा था, चाइनीज स्पार्क प्लग डाल दिया। चाइनीज स्पार्क प्लग में होता है कि मैकेनिक को जो है मोटा रकम का इनकम होता है, जेनुअन प्लग में तो कम बेनिफिट होगा, लेकिन चाइनीज स्पार्क प्लग में काफ़ी बेनिफिट होता है। इसके लेकर देखते हैं कि मैकेनिक भाई लोग कहते हैं लोकल प्लग का बाइक में ज़्यादा यूज करते हैं। इस बाइक में चाइनीज स्पार्क प्लग लगा था, बाइक से कहीं जा रहा था, बाइक का स्पार्क बाइक बंद हो गया। उस टाइम स्पार्क प्लग जैसे ही ओपन किया स्पार्क प्लग का आधा देखिए बाहर आ गया, आधा जो टूट करके अंदर ही रह गया था। अब इसको ओपन कैसे करना है बिना हेड खोले, अगर हेड को ओपन करेंगे तो लेथ पे जाना पड़ेगा, हेड गैस्केट चेंज करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगा। तभी आपको हम बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बता रहे, अगर स्पार्क प्लग हेड के अंदर टूट जाए तो उस टाइम आपको कैसे ओपन करना है, चाहे हीरो का ग्लैमर है, स्प्लेंडर है, पैशन प्रो, कोई भी कंपनी का बाइक है, बिल्कुल छोटा सा ट्रिक का फॉलो करके आप स्पार्क प्लग को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं अगर हेड के अंदर टूट गया है तो। टूटा हुआ स्पार्क प्लग को ओपन कैसे करना है टोटल स्टेप आपको डीपली बताएंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बैठिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले आप लोग नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओपन करने के लिए आपको कोई भी इस तरह का पतला वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, बिल्कुल पतला वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है जिस पर प्रॉपर चोट मार सके, यानी कि इस पर थोड़ा दबाव डाल सके। जस्ट उसके बाद एक हैमर लेना है, और हैमर लेने के बाद इसके ऊपर इस तरह देखिए, और अब हम नज़दीक से दिखला रहे हैं, इस तरफ से देखिए, इस तरफ से आपको करना है इस तरह से, तो कोरी में सेटिंग करना, इसको आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से दबाव डालना है, जिस तरह से ओपन हो जाए कोरी में टच करेंगे, और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दबाव डालना है। एक राउंड भी अगर ये मूव कर गया तो आसानी से स्पार्क प्लग ओपन कर हो जाएगा, नहीं तो आपको लेथ पर जाना पड़ेगा इसको ओपन करवाने के लिए। बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते इसको ओपन करना है, मुझे लग रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते ओपन हो ही जाएगा। देखिए अभी इसमें यहाँ पे घाट बन गया, तभी क्या करें फिर हम दूसरा एक्सल लें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा पॉइंट बना है तो कट जाएगा, इसको फिर हम दूसरा एक्सल लेकर के इस पर थोड़ा थोड़ा करके हम दबाव डालेंगे, बिल्कुल आसानी से स्पार्क प्लग ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये पतला वाला हम एक्सल लेंगे, क्योंकि मोटा वाला एक्सल परफेक्ट आ नहीं रहा था, अभी पतला वाला बिल्कुल एक्सल लेंगे, कटा हुआ भाग पर इसको इस तरह हम सेटिंग करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते नीचे से दबाव डालेंगे। वाह यार देखिए स्पार्क प्लग बिल्कुल ईजी से ओपन हो रहा है, वाह यार देखिए। ये रहा हमारा स्पार्क प्लग फाइनली जो है खुल गया, फिर से इस तरफ हम थोड़ा घाट बना देते हैं, मुझे लग रहा है कब ओपन ही हो गया स्पार्क प्लग, यार बिल्कुल आसानी से ओपन हो गया यहाँ पे। बिल्कुल आसानी से स्पार्क प्लग यार ओपन हो गया, अगर हम लेथ पे जाते तो 500 से 700 रुपया खर्च आता और मैकेनिक कॉस्ट भी लगता, मैकेनिक कॉस्ट वगैरह लेकर के 400 से 500 रुपया तक का समथिंग क्लाइंट को लॉस लग जाता। आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से टूटा हुआ स्पार्क प्लग को ओपन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से भाई, कोशिश करने से क्या नहीं होगा, कोशिश कीजिएगा उसके बाद ही ना आपको काम होगा भाई, ऐसा थोड़ा हार इतना जल्दी थोड़ी ना मान लेना है भाई जो। और ये देखिए हमारा स्पार्क प्लग यार बिल्कुल आसानी से ओपन भी हो गया, देखिए ना परफेक्ट ओपन हो रहा है यार। यार इसी बात पे आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ एक सब्सक्राइबर मांग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए। और ये देखिए बाइक का स्पार्क प्लग ओपन हो गया, इसमें भी यहाँ पे देखिए यार देखिए ग्लैम्बर बाइक है और पैशन प्रो का छोटा पॉइंट का प्लग लगा, जबकि ग्लैम्बर बाइक में बड़ा पॉइंट का प्लग रहता है, पैशन प्रो का स्पार्क प्लग ग्लैम्बर बाइक में डाल दिया जाएगा, बाइक है ग्लैम्बर और डाल दिया पैशन प्रो का स्पार्क प्लग, उसमें भी चाइनीज प्लग लगा यार देखिए, अगर ये चाइनीज प्लग नहीं रहता तो नहीं टूटता, चाइनीज स्पार्क प्लग का डुप्लीकेट स्पार्क प्लग लगा इसके लेकर ये स्पार्क प्लग टूट गया। और आपको बताया कि एक विक्टर बाइक में स्पार्क प्लग टूट गया था, उसको हमने किस तरह से ओपन किए थे, अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वीडियो के आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। इस बाइक में नया स्पार्क प्लग डाल देंगे परफेक्ट बाइक स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बता रहे, अगर स्पार्क प्लग को आप लोग कैसे पहचानेंगे कौन स्पार्क प्लग ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन गलत है, इन पर भी हमने डीपली वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या वीडियो के आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो एक बार जरूर देखिए कि और स्पार्क प्लग को हम कैसे पहचाने कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है।